हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस पीरियड में हमने डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे। होप कि आपने वो सब फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड याद कर लिया होगा, उसके आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आज हम स्टडी करते हैं टोटली न्यू पार्ट है, इट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़े उनका नॉमेनक्लेचर देखना है। पहले हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। हम नॉमेनक्लेचर में, नॉमेनक्लेचर का मीनिंग होता है नेमिंग। अब नॉमेनक्लेचर में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक कॉमन सिस्टम और एक आईयूपीएसी सिस्टम, मतलब दो टाइप के मेथड होते हैं। तो जो कॉमन मेथड होता है कॉमन सिस्टम में, इसमें हम यूज करते हैं एन, इसमें हम यूज करते हैं आईएसओ, इसमें हम यूज करते हैं नियो। कॉमन सिस्टम में एन, आईएसओ, नियो, ये तीन प्रीफिक्स यूज करते हैं नाम से पहले, जैसे एन ब्यूटेन, आईएसओ ब्यूटेन, नियो पेंटेन, ये कॉमन सिस्टम। इसके लिए कोई रूल नहीं होता है, ये बहुत आसान होता है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़े। आज हम स्टडी करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी एक केमिस्ट्री की सोसाइटी है, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट जो है उनकी केमिकल सोसाइटी होती है, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, और इसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू फॉलो सम रूल फॉर राइटिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम लिखने के लिए हमको उसके कुछ रूल्स फॉलो करना है, वो रूल जो आईयूपीएसी सिस्टम ने बताई है। तो आज हम वन बाय वन एक एक रूल देखते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड दे हैव टू नेम, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम। जस्ट लाइक अवर, हमारे दो नाम होते हैं, एक घर का नाम होता है जो हम निक नेम कहते हैं, और एक इंटरनेशनल नेम होता है जो बाहर नाम होता है, दूसरा होता है। दो नाम होते हैं हमारे, तो वैसे यहाँ पे दो नेम है, ये वन इज कॉमन सिस्टम, सेकेंड वन इज आईयूपीएसी सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम आईयूपीएसी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट रूल, दिस वी आर नॉट स्टडिंग नाउ, वी आर स्टडिंग आईयूपीएसी सिस्टम। रूल नंबर वन, फर्स्ट इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस द फर्स्ट रूल। बाद में ये रूल आपने अपने रजिस्टर में लिख लेना या टेक्स्ट बुक में आपको ये सब मिल जाएंगे, उसमें पढ़ना, उसमें से देख के लिख लेने का। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, ये पहला रूल है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस रूल में गलती करते हैं तो आगे पूरा गलत हो जाता है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सिलेक्ट करना है। जैसे ये एग्जाम्पल है, CH3, CH2, CH3, CH3, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें आपको कार्बन की चेन सिलेक्ट करना है जो लॉन्गेस्ट रहेंगी। बहुत बार ऐसा होगा कि लॉन्गेस्ट चेन आपको स्ट्रेट ही मिलेगी, लेकिन कभी कभी नीचे भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप देखो, आप अगर ये चेन सिलेक्ट करते हैं, दिस बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको ऐसे एक बॉक्स बना के इसको सिलेक्ट करना है। इट कंटेन 1, 2, 3, 4, चार कार्बन, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन के आपने चेन सिलेक्ट किया। आप में से कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे चेन सिलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन आ रहे, इसमें 3 कार्बन आ रहे, अगर आप बॉटम में आते और आप अगर स्ट्रेट जाते तो 4 कार्बन आ रहे। तो कौन सी मेथड राइट है, जो इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा आ रहे, तो ये चेन सबसे लॉन्गेस्ट है और ये चेन राइट हमने सिलेक्ट किया है। ये रॉन्ग होगी, बॉटम में रॉन्ग होगी। अगर आप यहां से लेफ्ट से बॉटम में आते हैं वो भी चलता है, 1, 2, 3, 4, ये चेन भी चलती है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, आपको कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट करना है। देन रूल नंबर सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। रूल नंबर सेकेंड, इट इज द काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। वो कार्बन एटम आप काउंट करो जो आपने सिलेक्ट किया है, एंड नेम्ड इट इट्स पैरेंट अल्केन। उसका जो भी अल्केन नाम बनेगा, पैरेंट, पैरेंट मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो नाम उसका आपको रखना है। जैसे एक इजी एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल CH3, CH2, CH, CH3, CH3। तो इसमें सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो आपने ये कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट कर लिया, इसमें 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट। अब उसमें कितने कार्बन आ रहे वो गिनो, वो काउंट करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन आ रहे, तो इसका नाम हो जाएगा, इट इज ब्यूटेन। इसका पेरेंट अल्केन कहलाएगा ब्यूटेन। इस चेन में जो आप सेलेक्ट करेंगे, जिसको बॉक्स में डालेंगे, उसमें जितने कार्बन आएंगे उतने अल्केन कहना, 2 कार्बन आएंगे तो इथेन,
तीन कार्बन आएंगे तो प्रोपेन, चार कार्बन आएंगे तो ब्यूटेन, ये रूल है। रूल नंबर वन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। रूल नंबर सेकेंड, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट यू हैव सिलेक्टेड एंड नेम इट्स पैरेंट अल्केन, उसका पैरेंट अल्केन का नाम लिखने का। थर्ड रूल, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, नाउ नंबर द कार्बन एटम। अब आपको ये जो कार्बन एटम आपने सिलेक्ट किया है उसको नंबरिंग करना है। नंबर द कार्बन एटम और कौन से साइड से, देख लो इसमें आप, आपने ये बॉक्स सिलेक्ट किया, इसमें चार कार्बन है। अब चार कार्बन को नंबरिंग करेंगे। पहले मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, लेफ्ट से राइट नंबरिंग किया। एक मेथड, आप में से कुछ स्टूडेंट उसको राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे, दिस इज कार्बन नंबर वन, दिस इज कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर। दोनों में एक मेथड राइट है और एक रॉन्ग है, दोनों राइट नहीं है। आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग करते करते एक रूल को फॉलो करना है। वो रूल क्या है, पहले तो ये जो दिख रहा है ब्रांच में, ये चेन आपने सिलेक्ट किया, चेन को छोड़ के जो ब्रांच में रहेगा उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अल्किल ग्रुप है, मिथिल है, इसको लोकंड भी कहते हैं, जो लोकेशन बताता है, जो पोजीशन बताता है, लोकेंड, हम इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट रूल ये है कि सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से नियर होता है, टुवर्ड द सब्स्टिट्यूएंट, नियर द सब्स्टिट्यूएंट, उस साइड से नंबरिंग करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये सब्स्टिट्यूएंट राइट साइड से नियर है, नियर नजदीक है, उधर से नंबरिंग। नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट साइड, सब्स्टिट्यूएंट साइड से नंबर करना है। जैसे दूसरा रूल उसमें चाहेगा कि आपको उस साइड से नंबरिंग करना है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिले। जैसे आप देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथिल, अगर हम राइट से लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो उसको थर्ड नंबर आ रहा है, थर्ड नंबर किसका, कार्बन का नंबर जिस कार्बन को वो अटैच है, थर्ड नंबर ऑफ द कार्बन को अटैच है मिथिल। और आप राइट से नंबरिंग करते हैं तो नंबर सेकंड आ रहा है। तो रूल क्या है, रूल इज नंबर द कार्बन एटम सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिले, उस साइड से नंबरिंग करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर आप राइट से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है सेकंड नंबर जो कि लो है, और लेफ्ट से करेंगे तो थर्ड नंबर आ रहा है जो कि लार्ज है, वो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको लोएस्ट नंबर के साइड से नंबरिंग करना है। तो हमने लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन इस साइड में आ रहा है तो हमने राइट से नंबरिंग रहेगा, तो ये नंबरिंग रॉन्ग हो गया, लेफ्ट वाली नंबरिंग रॉन्ग होगी, और राइट से नंबरिंग ये सही है, ये राइट है। तो नंबर द कार्बन एटम सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर। सब्स्टिट्यूएंट कैसे कहेंगे, वो अल्किल ग्रुप जो ब्रांच चेन के या जो चेन के बाहर हो जाता है, जो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर रहेगा, जो ब्रांच में रहेगा, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, और जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नियर रहेगा उस साइड से नंबरिंग करना है। इसको और एक दो एग्जांपल से समझ लीजिए। सपोज ये एग्जांपल है CH3CH CH3CH3। फर्स्ट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो फॉर्चुनेटली आपको बता रहे कि बहुत बार ऐसा होगा कि लॉन्गेस्ट चेन आपको स्ट्रेट ही मिलेंगी, ये लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं उसको गिनो एंड राइट इट्स पैरेंट अल्केन, इसमें कार्बन तीन आ रहे हैं जिसको आप नाम लिख लेंगे प्रोपेन। अब है नंबरिंग, नंबर द कार्बन एटम सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर, ये है सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, राइट से करते हैं तो 1 2 3 यहां भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। मतलब इस एग्जांपल में नंबरिंग कोई भी साइड से चलता है, इस एग्जांपल में नंबरिंग एनी साइड, लेफ्ट से करो कि राइट से करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग इज डन सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पिछले वाले को थोड़ा अपोजिट कर देंगे, CH3CH CH3 CH2 CH3। अब देखो फिर से हम चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये चेन हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, इसको नंबरिंग करेंगे सो दैट दिस सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर। तो नंबरिंग करेंगे हम, दिस इज कार्बन नंबर, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, या आसान तरीका क्या है, जिस साइड में सब्स्टिट्यूएंट नियर है, नियर द सब्स्टिट्यूएंट नियर होना, नियर का मतलब नजदीक, आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट साइड में नियर है तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना 1 2 3
ये राइट हो गया क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। ओके, इसमें एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और ये देख लो। सपोज इसमें यहां पे एक इथिल अटैच, सी अच्छी तरह देखो ये एग्जांपल। पहला रूल आपने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एम किया, उसमें आपने नंबरिंग, उसमें आपने कार्बन को काउंट करके ब्यूटेन लिख दिया। अब आपको नंबरिंग कौन से साइड से करना है? अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है 1 2, उस साइड से नंबरिंग करते हैं तो भी ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। दोनों साइड से नहीं कर सकते क्योंकि इधर मिथिल है इधर इथिल है, कौन से साइड से नंबरिंग करेंगे, किसको प्रिफरेंस देंगे, मिथिल के साइड को कि इथिल को साइड को? दोनों भी लियर है, दोनों को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो ऐसे केस में क्या करने का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। मीन्स मिथिल एम है, इथिल ई है, ई कम्स फर्स्ट, तो आपको इथिल के साइड से नंबरिंग करना है। सीधा रूल, इफ फ्रॉम बोथ साइड मिथिल एंड इथिल गेट सेम नंबर देन यू हैव टू प्रिफर इथिल। अगर दोनों साइड से मिथिल इथिल सेम नंबर आ रहे हैं तो आपको इथिल को प्रिफरेंस देना है, इथिल के साइड से नंबरिंग करना है क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ओके, ये हो गया मिथिल इथिल दोनों सेम साइड से सेम नंबर पे आ रहे। तो अगर CH3 CH CH3 CH2, देन हियर इट इज C2H5 अगेन CH2 CH3। नाउ सी दिस, अगर आप ये चेन सिलेक्ट करते हैं, अब नंबरिंग, मैं दो टाइप के नंबरिंग बता रहा हूं। अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये मिथिल आ रहा है सेकेंड नंबर पे। राइट से नंबरिंग करते हैं, अगर हम राइट से, तो राइट से नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो ये इथिल आ रहा है थर्ड नंबर पे। अब आप किसको प्रिफरेंस देंगे, सेकेंड नंबर के मिथिल को कि थर्ड नंबर के इथिल को, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे? नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। पिछला एग्जांपल देखिए आप दोबारा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करते हैं जब दोनों साइड से सेम नंबरिंग आता है, लेकिन यहां पे दोनों साइड से डिफरेंट नंबर आ रहा है, और जब डिफरेंट नंबर आता है तो लोएस्ट नंबर को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें इस एग्जांपल में इथिल को आपको प्रिफरेंस नहीं देना है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, लेकिन इसमें नहीं देना है, इसमें आपको मिथिल को प्रिफरेंस देना है क्योंकि उसको लोएस्ट नंबर आ रहा है। तो ये नंबरिंग राइट है 1 2 3 4, लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग राइट है। ये जो राइट से कर रहे थे इस एग्जांपल में, ये रॉन्ग हो गया। तो नंबर द कार्बन एटम सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर, दिस इज रूल नंबर थर्ड। नेक्स्ट रूल नंबर फोर्थ। अब ये एग्जांपल था, इजी एग्जांपल लेते, CH3 CH CH3 CH3, ये आपने सिलेक्ट कर लिया 1 2 3, इसका नाम हो गया प्रोपेन। जो कार्बन चेन आपने सिलेक्ट किया था उसका आपने नाम दे दिया। अब जो चेन के बाहर रह गया है दिस, ये जो रह गया मिथिल चेन के बाहर जो रह गया, अब इसको क्या करेंगे आप, इसका भी नाम देना है। तो ये मिथिल जो है इसका नाम आप प्रोपेन से पहले लिखेंगे, मिथिल प्रीफिक्स करेंगे प्रोपेन से पहले प्रीफिक्स, और उसकी पोजीशन भी बताएंगे। ये मिथिल ग्रुप की पोजीशन है 2, इसको लिखेंगे आप 2-methyl, हाइफन कहते हैं उसको, 2-methyl प्रोपेन। तो नेक्स्ट रूल क्या रहा है, राइट द पोजीशन एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द पैरेंट अल्केन। पैरेंट अल्केन से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताना है। राइट द नेम एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर पैरेंट अल्केन। ये पैरेंट अल्केन के नाम से पहले आपको मिथिल लिखना है और 2-methyl लिखना है। 2 क्या बता रहा है, इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ मिथिल ग्रुप, वो मिथिल ग्रुप की पोजीशन बता रहा है, इसका नाम हो गया 2-methyl propane, इसका फाइनल नेम हो गया। रूल नंबर 4, राइट द नेम एंड द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द पैरेंट अल्केन। कभी यहां पे इथिल होगा तो इथिल लिख देगा, उसकी पोजीशन बता देगा। अल्किल ग्रुप मिथिल इथिल दो ही रहेंगे। अब अगर एक से ज्यादा अल्किल ग्रुप है, अगर दो अल्किल ग्रुप है तब क्या लिखेंगे आप, CH3 CH CH3 CH CH3 CH, दीज आर द 2-methyl ग्रुप। आपने ये चेन सिलेक्ट कर लिया, इसमें नाम दे दिया इसको ब्यूटेन। नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, इस साइड से मिथिल सेकंड नंबर को आ रहा, इस साइड से मिथिल सेकंड नंबर को आ रहा, दोनों साइड से सेम आ रहे, तो इसको भी साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नाउ दिस 2-methyl ग्रुप दे आर सेम,
When there are same alkyl group, they are written as di, tri, tetra, etc. तो दो अल्किल ग्रुप है, एक मिनट रुक जाते हैं हम. ओके, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं. रूल नंबर फोर, राइट द नेम एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर पैरेंट अल्किल. जो पैरेंट अल्किल हमने सिलेक्ट किया 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन, इससे पहले हम ये दोनों की पोजीशन और दोनों का नाम भी लिखेंगे. तो ये इसे कहते हैं हम मिथिल, दिस इज ऑल्सो मिथिल, दो मिथिल है. तो व्हेन देयर आर टू सेम अल्किल ग्रुप्स आर देयर, दे आर रिटन एज डाई, उसको डाई लिखेंगे आप. तो यहां जाएगा डाई मिथिल, डाई मिथिल. अगर तीन होते थे तो ट्राई लिखना था, ट्राई, ट्राई मिथिल, ट्राई इथिल, डाई मिथिल, डाई इथिल. सो डाई मिथिल. और इनका आपने नाम तो लिख लिया, अब इनकी पोजिशन, इनकी पोजिशन क्या लिखेंगे. तो पोजिशन ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है. तो आप इसको लिखेंगे 2, 3, 2, 3 डायमिथिल ब्यूटेन, 2, 3 डायमिथिल ब्यूटेन, ये इसका राइट नेम हो गया. 2, 3 दो पोजीशन है तो दोनों लिखना है, दोनों डिफरेंट पोजीशन है. 2, 3 अगर दोनों सेम पोजीशन होती थी तो भी दो बार लिखना था. सी, पोजीशन अगर सेम आती है, दो अल्किल ग्रुप है, तो भी आपको दो बार लिखना है पोजीशन. सी दिस, तो इसमें आप ये चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3. अब आप देख रहे हैं ये मिथिल सेकेंड नंबर को अटैच है, ये मिथिल भी सेकेंड नंबर को अटैच है. तो आप इसको लिखेंगे 2, 2 डायमिथिल. सेम मिथिल ग्रुप सेम पोजीशन पर अटैच है तो आपको फिर भी दो बार नंबरिंग करना ही है, क्योंकि दो अल्किल ग्रुप है, वो सेम हो या डिफरेंट हो, दो अल्किल ग्रुप है तो दो बार नंबरिंग. 2, 2 डायमिथिल, इट इज प्रोपेन, प्रोपेन. सो राइट द नेम एंड पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर पैरेंट अल्किल. पैरेंट अल्किल से पहले आपको उसके नाम और उसकी पोजिशन लिखना है. और अगर सेम है, वो सेम है तो क्या लिखेंगे आप, देयर इट इज डाई, डाई. तो रूल नंबर 5 आ रहा है, इफ सेम अल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर सेम अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है देन उनको क्या लिखते हैं, दे आर रिटन एज डाय, ट्राई, टेट्रा एंड एक्सेट्रा. डाय, ट्राई, टेट्रा, इफ देर आर सेम अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एक जैसे अल्किल ग्रुप होते हैं तो डाय, ट्राई, टेट्रा. एंड लास्ट रूल नंबर 6, इफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तब क्या करेंगे, तब तो डाय, ट्राई, टेट्रा नहीं करेंगे. जैसे ये CH3CH, एक और CH2 का CH, CH3CH, C2H5, CH2CH3, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका यूपीएससी नेम लिखना है. तो ये चेन हम सिलेक्ट करेंगे. ओके, इसमें नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे मिथिल आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे इथिल आ रहा है, दोनों साइड से थर्ड नंबर आ रहा है. प्रिफरेंस किसको देंगे आप, इथिल को, इथिल को प्रिफरेंस. दोनों साइड से सेम नंबरिंग आ रहा है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिल को प्रिफरेंस देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका नाम हो गया, यहां लिखते हम हेक्सेन, इसका नाम हो गया हेक्सेन. अब ये मिथिल है और ये इथिल है, इनको नाम लिखना है. ये राइट द नेम एंड पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दोनों के नाम लिखना है, बिफोर पैरेंट अल्केन, बिफोर अल्केन, अल्केन से पहले मिथिल और इथिल लिखना है. पहले किसको लिखेंगे हम, इथिल को, तो इट इज इथिल, उसके बाद में लिखेंगे हम मिथिल, अल्फाबेटिकली इथिल पहले मिथिल बाद में. और दोनों की पोजिशन, उनकी पोजिशन भी होना, और पोजिशन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लिखना है. इथिल की पोजिशन है 3, 3 इथिल, मिथिल की पोजिशन है 4, दैट इज डैश 4 डैश, डैश लगाना है, हाइफन लगाना है, कॉमा नहीं लगाना है. 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन. सो इफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं. ये लास्ट रूल होता है फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या IUPAC नेम. तो ये आपके सामने है बोर्ड पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, रिटर्न प्रैक्टिस,
कल नेक्स्ट पीरियड में हमारा यहाँ पे डाउट सेशन रहेगा, ऑनलाइन सेशन रहेगा, मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको पूरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उस बीच में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल होमवर्क भी दूंगा, आप वो होमवर्क पूरा करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखा है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रूल जो है, ये सिक्स रूल्स है, ये सिक्स रूल्स की आप प्रैक्टिस करिए। इनकेस इसमें कोई डाउट होगा अभी तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर हमारा डाउट सेशन भी है ऑनलाइन सेशन, उसमें हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तब तक के लिए ओके, गुड नाइट, थैंक यू।